हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कल की वीडियो में आपने देखा कि हमने अच्छे से शिरडी में और शनि शिंगणापुर में दर्शन कर लिया है और आज का हमारा प्लान है नासिक दर्शन करने का। तो हम आ गए हैं एक ट्रैवल कंपनी के पास, यहाँ हम लेने वाले हैं एक पैकेज। तो नासिक दर्शन का पैकेज है, इसमें आपको नासिक के मेन मेन स्पॉट्स दिखाते हैं जिसमें कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी इंक्लूडेड है। तो हमारा मेन यही था कि हम त्र्यंबकेश्वर जो मंदिर है उसका दर्शन करें, क्योंकि वो एक ज्योतिर्लिंग है, ऑफकोर्स हमें दर्शन करना ही था। तो हमने सोचा कि ये पैकेज ले लेते हैं और आफ्टर दर्शन हम वहां से ही बॉम्बे के लिए कैब बुक कर लेंगे। तो ये हमारा प्लान है। तो चलो हम निकलते हैं नासिक के लिए। फ्रंट सीट मिली है हमें और यहाँ से व्यू बहुत ही सुंदर आ रहा था। Everything is green and beautiful. तो ये पहला स्टॉप है ना विक्की? ये मुक्तिधाम टेम्पल। मुक्तिधाम टेम्पल नासिक में पहला स्टॉप है हमारा और हम आ चुके हैं इधर, दर्शन करेंगे भगवान का। तो यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल गए थे अंजनी माता मंदिर के लिए और ये सारे मंदिर नासिक के ही है और त्र्यंबकेश्वर भी यहाँ से पास ही है। तो चलते हैं दूसरे मंदिर। सो नेक्स्ट स्टॉप इज एट अंजनी पर्वत हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पे उनका जन्म हुआ था हनुमान जी का, ऐसा हमारे ड्राइवर ने बताया। ड्राइवर कम गाइड, वो गाइड भी हैं। तो इसी पर्वत पे उनका जन्म हुआ था और बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, चलते हैं दर्शन करेंगे। अच्छा है यार नासिक, काफ़ी ग्रीन है, हमें तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी हम पहली बार आए हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक स्टॉप लिया है फॉर लंच, तो मैंने मंगाया है पनीर पराठा और विक्की ने लिया है थाली। तो लंच करने के बाद हम लोग आ गए हैं त्र्यंबकेश्वर मंदिर के यहाँ दर्शन करने के लिए, तो चलते हैं। तो जी यहाँ से जाना है मंदिर, यहाँ से आपको चल के ही जाना है, वहाँ हम गाड़ी से उतर गए और अभी चल के जाना है। ये एंट्री है, यहाँ से एंट्री करेंगे मंदिर के लिए। देखो अभी सामने मंदिर दिखना चालू हो गया है, बिल्कुल बनारस वाली फीलिंग आ रही है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए हम गए थे, ऐसे ही गली थी, बहुत सारा केओस था। वहाँ पे भी मंदिर बहुत अच्छा, नया वाला मंदिर अच्छा बना था। हाँ अभी वहाँ सिस्टम बहुत अच्छा बना दिया है, दैट इज ट्रू, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है बहुत ही बढ़िया बनाया है। वैसा ही कुछ मैनेजमेंट यहाँ भी हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये देखो ये पास वाले लोगों की लाइन है, यहाँ से पास वाले लोग जा रहे हैं और यहाँ से एग्जिट है। फाइनली अंदर आ पाए हम लोग, बाप रे कितना ज्यादा टाइम लगा ना विक्की। तो बहुत भीड़ है अंदर भी, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, लंबी लाइन है इधर, अभी कम से कम 2-3 घंटे तो इधर ही लगेंगे। कैसे मिला है हमें ये पास हमको ही पता है, बाबा बहुत भीड़ है। और ये स्पेशल पास है, हाँ 200 रुपीज़ वाला। बहुत ही लंबी लाइन से गुजरते हुए हम जा रहे हैं, इतनी गर्दी है इसलिए बैठने के लिए जगह बना दिया है, आप चलते चलते बैठते बैठते जाओ। तो ये अच्छा है, यहाँ पे पंखे वंखे भी चल रहे हैं।
फाइनली मंदिर के पास, बस पीछे ही मंदिर है, थोड़ी देर में दर्शन हो जाएगा। बस भाई यहाँ से बाहर निकले हैं, यही मंदिर का एग्जिट है, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। तो देखो वहाँ से जो पास वाली लाइन है वो एंटर होती है, और दर्शन करके जो एग्ज़िट है वो पीछे है मंदिर के। तो ये मंदिर का फ्रंट है और पीछे से एग्ज़िट होता है, और यहाँ एग्ज़िट से निकलने के बाद आप यहाँ पे कुछ देर के लिए बैठ सकते हो, बेंचेस वगैरह लगाए गए हैं। तो हम भी जा रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए बैठने और भगवान से प्रे करने। तो ड्राइवर को हमने कॉल किया था कि भाई सब लोग आ गए क्या, ड्राइवर ने बोला नहीं भाई आप पहली हो जो कॉल कर रहे हो, अभी तक किसी का हुआ नहीं है। तो हम तो आराम से दर्शन करके बैठे हैं, थैंक यू सो मच गॉड, हमारा बहुत अच्छे से हो गया। यहाँ पे माउंटेन्स कितने सुंदर दिख रहे हैं यार, ब्रह्मगिरी हिल्स हैं यहाँ पे, यहाँ पे ही पास में कुंड है, अभी थोड़ा सा वॉक करेंगे ना तो दिखेगा। चलो अभी दर्शन हो गया हमारा और अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। रास्ते में काफी कुछ है खाने पीने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, कुछ तो खाएंगे। ये वाले भाई रियल वाले बेच रहे हैं रुद्राक्ष की जो होती है माला, रुद्राक्ष प्लांट से बिल्कुल लगा हुआ है ना, प्लांट से पूरा पेड़ है, पेड़ उठाओ देखो, प्लांट से ही दे रहे हैं, रियल है पूरा। तो यहाँ से आप खरीद सकते हो इन भाई के पास से। ये क्या है भाई, ये माला? नहीं नहीं ये कस्तूरी है। तो यहाँ से दर्शन के बाद वी डिसाइडेड कि अब हम चलेंगे बॉम्बे। हमारा मेन टेंपल था त्र्यंबकेश्वर मंदिर और हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हो गया, वी फेल्ट रियली गुड। अब हम जा रहे हैं मुंबई, तो हमने नासिक से मुंबई की एक कैब ही बुक कर ली, एंड जो हमारे साथ लोग थे नासिक दर्शन के लिए जो आए थे टूर वाले, दे ऑल वेंट टू पंचवटी। तो पंचवटी हम इस बार नहीं जा रहे हैं, बट नेक्स्ट टाइम वेन एवर वी गो टू नासिक वी आर गोइंग टू गो टू पंचवटी, बट वी आर हैप्पी टू गो होम, अच्छे से दर्शन हो गया और हम घर जा रहे हैं। So this vlog ends here guys, thank you so much for watching and I'll see you in the next one, please share, like and subscribe my videos and yeah, see you in the next one, bye.